वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 चरण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में डिटेल में अवश्य लिखा कीजिए। चलिए आज है 21 अगस्त 2021 और 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसे यहां पर देख लेते हैं। तो 21 अगस्त 2021 को प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र खन्ना या फिर सुरेंद्र खन्ना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज सुरेंद्र खन्ना को हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर शॉल देकर सम्मानित किया है। आप जो यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है सुरेंद्र खन्ना। इन्हें अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब यहां पर मैंने आगे लिखा है कि पहला एशिया कप 1984 में संयुक्त अरब अमीरात के शारजा में आयोजित किया गया था और सुरेंद्र खन्ना इस क्रिकेट प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। ये पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये चर्चे में है तो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। पहला एशिया कप 1984 में शारजा में आयोजित हुआ था और इस प्रतियोगिता में सुरेंद्र खन्ना को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था और यह प्रतियोगिता का जो फाइनल मुकाबला हुआ था यहां पे मैंने आगे लिखा है। तो फाइनल मुकाबला 13 अप्रैल 1984 को खेला गया था जिसमें कि भारत ने सुनील गावस्कर की अगुवाई में पाकिस्तान को हराकर पहली बार एशिया कप जीता था। यानी कि एशिया कप का फाइनल मुकाबला जो हुआ था यह भारत और पाकिस्तान के बीच 13 अप्रैल 1984 को हुआ था जिसमें कि भारत सुनील गावस्कर की अगुवाई में पाकिस्तान को हराकर पहली बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एशिया कप में मतलब कि एशिया कप भारत कितनी बार जीत चुका है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि भारत अभी तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब यहां पे चर्चा हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, उसके बारे में यहां पे हम लोग जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका जो सिद्धांत यानी कि मोटो है यह अच्छाई के लिए क्रिकेट। और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके जो सदस्य देश हैं 106 सदस्य देश हैं और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है ये हैं ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं और आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इससे पहले जो आईसीसी के जो सीईओ थे ये थे मनु सहनी और ये भारत के थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलाडिस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आईसीसी से संबंधित भी आप याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी ने छत्तीसगढ़ में व्यावहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है यानी कि पूरे राज्य में टॉप किया है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मधुबनी जिला की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने व्यावहारिक न्यायाधीश के 32 पदों की भर्ती के लिए चयन सूची जारी की है और इस सूची में प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। ये जो 32 पदों की जो सूची जारी की गई है फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसमें कि प्रीति झा जो कि मतलब कह सकते हैं बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है और इन्होंने टॉप किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा कि प्रीति झा बिहार के मधुबनी जिला की रहने वाली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उनके पिता पवन कुमार झा छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर है। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है मधुबनी जिले की, तो मधुबनी जिले के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर मैप पर देखकर समझा जा सकता है। तो मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको मधुबनी जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी जिला की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी जिला की सीमा को साझा करता है। जिस प्रकार से ये प्रश्न पटना संबंधित था ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पटना जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 9 जिलों के साथ ये सीमा को साझा करता है पटना जिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार से मधुबनी की अगर हम बात करें तो मधुबनी जिला की सीमा जो साझा करती है 4 जिलों के साथ साझा होती है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सीतामढ़ी से, तो सीतामढ़ी 1, दरभंगा 2 और फिर सहरसा 3 और साथ ही सुपौल 4।
तो कुल मिला के 4 जिले ऐसे हैं जो कि मधुबनी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे मधुबनी जिला के बारे में, किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में से अगर हम बात करें मधुबनी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मधुबनी है और मधुबनी जो जिला है ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है और दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय ये दरभंगा ही है और यहाँ पर इसके साथ जो 3 जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। आप यहाँ पर जब मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर दरभंगा प्रमंडल है और यहाँ पर मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल है, अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ठीक है। तो दरभंगा के यहाँ पर पहला जिला आएगा हमारा मधुबनी, दूसरा आएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर जब आप नजर लेंगे तो इधर होगा। तो दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, एक हो गया दरभंगा, दूसरा हो गया मधुबनी, तीसरा हो गया समस्तीपुर। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 3रा प्रश्न, हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में ये शुरुआत किया गया आर के सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के नेतृत्व में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा हाल ही में गया से निकाली गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत गया से की गई और भाजपा की इस यात्रा का जो पहला चरण है ये लगभग 380 किलोमीटर का है जो कि 2 दिनों का होगा, 2 दिनों का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे मैंने लिखा है कि इस राजनीतिक यात्रा का उद्देश्य सरकार के कार्यों को घर घर तक पहुँचाया जाना है और इसके अलावे पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के साथ ही पंचायत चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाना भी इसका उद्देश्य है। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी आप याद रखेंगे। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया ये याद रखना है, इसमें कितने मतलब किलोमीटर का सफर किया गया ये याद रखना है और ये कितने दिनों का अभियान था ये भी आपको याद रखना है और ये कौन सा चरण था, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब यहां पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस देश को वित्तीय मदद देने से रोक लगा दी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अफगानिस्तान की हालात को देखते हुए इस प्रकार का घोषणा भी हाल ही में IMF के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद देने से मदद देने पर रोक लगा दी है। ये घोषणा भी हाल ही में IMF के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में पूरे मतलब कह सकते हैं पूरे काबुल पर ये तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह फैसला किया है कि जितने भी वित्तीय मदद दिया जाता था अफगानिस्तान को वो सारे पे रोक लगाया जाए। तो अभी हाल ही में इस पर रोक लगाया गया है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान पर ये रोक लगाया गया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया, या फिर कह सकते हैं देश छोड़कर भाग चुके हैं और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। अब यहाँ पर ये मैं नवीनतम जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि ये संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन मैं जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ ये संयुक्त अरब अमीरात में ये मतलब अभी है वर्तमान में। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिले तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना, ये घोषणा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया। जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनके द्वारा ये घोषणा किया गया, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब नए जिले के गठन के बाद यानी कि 4 जो नए जिले बनाए जाएंगे इसके गठन के बाद अब राज्य में 32 जिले हो जाएंगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में राज्य में 28 जिले हैं जो कि 4 नए जिले होंगे, उसके बन जाने के बाद अब ये राज्य में 32 जिले हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये 4 जिले कौन कौन से होंगे ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं BPSC जैसे परीक्षाओं में। तो पहला जिला होगा मोहला मानपुर, दूसरा होगा सुकती, तीसरा होगा सारंगढ़, बिलाईगढ़ और चौथा महेंद्रगढ़, ये 4 नए जिले होंगे छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम बढ़ते आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूँ कि आगामी जो मतलब कि टेस्ट सीरीज का जो अगला मतलब पार्ट होगा, जो मॉक टेस्ट 33 होगा, ये पेड ग्रुप में आपको कल देखने को मिलेगा। जो लोग घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, इस चैनल के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। इसका PDF प्राप्त करके आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी का आंकलन कीजिए, ये दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसका डेमो PDF मंगाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना, आपके कॉल को पिकअप नहीं किया जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, तो प्लीज़
आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, निर्धारित कीजिए कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। ये टेस्ट सीरीज वाला जो पेड ग्रुप है, इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, बिहार जीके भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप याद रखिए, जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का गुणवर्धने को किस देश के क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि ACB ने पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में 1 से 5 सितंबर तक होने वाले वनडे सीरीज को ध्यान में रखते हुए पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज अविष्का गुणवर्धने को अपनी क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना, आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही अविष्का गुणवर्धने, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हिल्टन डियोन एकरमैन थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान की स्थिति इस प्रकार से अभी है, तो क्या क्रिकेट पॉसिबल है? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट मतलब कि जारी किया गया तालिबान के द्वारा कि क्रिकेट खेलों में खास करके क्रिकेट वगैरह में तो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखते हुए अभी मतलब कि ACB के द्वारा नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है अविष्का गुणवर्धने को, तो ये भी यह बात यहाँ पे ध्यान रखिए। ये जो मतलब आयोजन होगा ये श्रीलंका में ही होगा और यहाँ पर तालिबान के द्वारा ये भी आश्वस्त किया गया है किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में फेसबुक ने तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है, ये भी हाल ही में फेसबुक के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा, अर्थात कोई भी फेसबुक यूजर तालिबान का समर्थन करने या फिर आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कि पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि दरअसल फेसबुक तालिबान को आतंकी समूह मानता है और इसलिए उस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। फेसबुक के द्वारा तालिबान को एक आतंकी समूह के रूप में जाना जाता है या फिर माना जाता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है ये सारी। ठीक है, तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के साथ जनवरी से अब तक लगा हूं और ये निरंतर आपके एग्जाम तक यूं ही कंटिन्यूटी बना रहेगा, तो प्लीज आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार कौन सी राज्य सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा सरकार ने यह भी हाल ही में घोषणा किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घोषणा के अनुसार सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी। ये स्मार्ट कार्ड किसे प्रदान किया जाएगा उस बारे में यहाँ पे मैंने आगे लिखा है। तो राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं अन्नपूर्णा और अंत्योदय के पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आगे लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपये तक का इलाज का लाभ उठा सकती है जबकि परिवार के अन्य सदस्य को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। यानी कि परिवार के जो महिलाएं होंगी, जितनी भी महिलाएं होंगी, सभी को 10 लाख रुपए का मतलब कि लाभ मिलेगा और वहीं पे परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। तो अभी हाल ही में जो घोषणा किया गया, ये मतलब कि ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना ये किस योजना के तहत ये स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत अभी उड़ीसा सरकार ने यह घोषणा किया है कि सभी को स्मार्ट कार्ड राज्य में प्रदान किया जाएगा और इसका खासियत क्या होगा ये सारी चीजें यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है नवा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। ये प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने अलमोहद अल हिंदी अभ्यास अर्थात अलमोहद अल हिंदी एक्साइज नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और सऊदी अरब के बीच ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने अलमोहद अल हिंदी अभ्यास अर्थात अलमोहद अल हिंदी एक्साइज नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इस द्विपक्षीय अभ्यास का फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में ही लिया गया था, यानी कि इसकी जो घोषणा हुई थी ये अभ्यास का, ये 2019 में ही आयोजित एक शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि रियाद में हुआ था, वहीं पर ये मतलब कि लिया गया था, ये आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर जानते हैं इस अभ्यास का लक्ष्य क्या है। तो इस अभ्यास का लक्ष्य इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास,
खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी भी जो मतलब योजना होती है, कोई अभ्यास होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, ये सारे पॉइंट जो होते हैं ये आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आपकी मदद करता है। तो सारी चीज़ों का आप लोग नोट्स जरूर तैयार कीजिए। जब भी आप करंट अफेयर्स इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं, ये कभी मत सोचिए कि ये आपके सिर्फ प्री एग्जाम में ही आपकी हेल्प करेगा। ये सारे पॉइंट को जोड़कर आप मेंस का भी आंसर तैयार कर सकते हैं। आप अपना आंसर राइटिंग को जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको आप बढ़ा सकते हैं ये सारे पॉइंट की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दसवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गौरवधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने गौरवधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया, ये क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गोरखनाथ एक संत थे, गौरवधंधा ये शब्द जो है गोरखनाथ से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, तो इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को लिखा है कि गोरखनाथ एक संत थे और किसी भी राज्य भाषा या फिर भाषण या फिर किसी भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग उनके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है। यानी कि गौरखधंधा शब्द का जो प्रयोग है ये मतलब कि किसी भी भाषा या फिर भाषण या फिर किसी भी संदर्भ में इसका जो प्रयोग होता है गलत तरीके से ये भावनाओं को मतलब कि आहत पहुंचाता है। ये जो गौरखधंधा शब्द है इसको मतलब कि आहत पहुंचाता है, ये ध्यान रखेगा। और इसी को ध्यान रखते हुए इसको लेकर गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर के इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मांग के आधार पर 18 अगस्त 2021 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया और इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अभी हाल ही में ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसे बैन किया गया। अब राज्य में किसी भी प्रकार से गलत तरीके से गौरवधंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। ये बैन अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया। अब अर्थात यहाँ पर अगले प्रश्न पे हमारा अगला 11वां मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्यास योजना शुरू किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अब यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्यास योजना शुरू किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। और इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इससे लगभग 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। इस योजना का उद्देश्य यह है कि इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे लगभग 12 लाख भूमिहीन परिवारों को मदद होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कब विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभी हाल ही में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया है। अब यहाँ पर इसको हम जानते हैं कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और विश्व फोटोग्राफी दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है ये विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करना ही इसका एक उद्देश्य है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्से आरा ने वर्ष 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत की थी। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखें कि पहली बार जो फोटोग्राफी डे मनाया गया था 2009 मनाया गया था और ये ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्सी आरा के द्वारा मनाया गया था। तो 2009 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पर बढ़ते आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है, इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसका आंसर क्या होगा कृपया मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre-21 लिख के मैसेज कीजिए और डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।